हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर के पकौड़े, जो बनाना बहुत आसान है और इतने ज़्यादा यमी लगते हैं कि आपको बार बार इसे बनाने का मन करेगा। और इस एकदम इंस्टेंट सी चटनी, जो बनाना भी बहुत आसान है और बहुत यमी लगती है। ये एकदम सॉफ्ट होते हैं अंदर से और ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी होती है। आपने बहुत बार पनीर के पकौड़े बनाए होंगे, पर ये आपको बहुत मज़ेदार लगने वाला है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पनीर लिया है, ये 150 ग्राम पनीर लिया है। अगर आप पैक्ड पनीर ले रहे हैं तो उसमें पानी नहीं होता, ये मैंने ताज़ा पनीर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी होता है, इसलिए मैं इस तरह के किचन टॉवल में इसको अच्छे से सुखा लेती हूँ। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपके पनीर के पकौड़े जो हैं वो जल्दी टूट जाएंगे। बस इसी तरह से आप मनचाहे आकार में इसे काट लीजिए, चाहे आप इतने बड़े बड़े भी काट लीजिए, पर मैं इस तरह से काट कर इसे लंबे लंबे स्ट्रिप में काटूँगी। जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम उसी प्रोसेस में आप इसे काट लीजिए। यह आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरह से काटना है। मैंने सारे पनीर को जो है इसी तरह से काट लिया। अब मैं थोड़े से इसमें मसाले ऐड करती हूँ। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और मैं 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर डालूँगी। चाट मसाला पाउडर से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लगता है। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और हल्के हाथों से इसे मिक्स करिएगा, नहीं तो पनीर जो है वो टूट सकते हैं। बस इसे हल्के हाथों से इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले हम एक चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाला है, उसमें 4 से 5 जो है वो लहसुन की कलियाँ डाल दी है, और 4-5 जो है वो हरी मिर्च, और 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा डाला है, और 3 टमाटर जिसको मैंने इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। और थोड़ी देर ढक दीजिए इसका, तो इसके सारे जो टमाटर जो हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस एक बार इसे अच्छे से चला लीजिए। इसी टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ, जिसमें ये जल्दी से गल जाएंगे सारे टमाटर। मैं सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा भी डाला था, जो शुरू में नहीं डाला था, इस टाइम डाला मैंने इसे। बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये जो है ये चटनी जो है वो टमाटर जो हल्के से सॉफ्ट हो गए, इसी टाइम पे हम धनिया पत्ती डालेंगे। बस इसे हल्का सा इसे धनिया पत्ती भी इसमें मिक्स करना है, और ये चटनी जो है रेडी। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे, ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। बस इस ये चटनी जो है वो रेडी हो जाती है। तो ये चटनी का पेस्ट जो है वो ठंडा हो गया है, हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इतनी मज़ेदार लगती है ये पकौड़ों के साथ। इस पे पनीर के पकौड़े नहीं, आप अगर नॉर्मल कोई प्याज के पकौड़े, कैबेज के पकौड़े, किसी के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने मिंट पाउडर डाला है, अगर आपके पास फ्रेश मिंट लीव है तो वो डाल सकते हैं। और 1 चम्मच बटर मिल्क, बटर मिल्क ज़रूर डालेगा। अगर बटर मिल्क नहीं है तो आप 1 चम्मच दही डाल लीजिएगा। इतना मज़ेदार टेस्ट आता है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का इसका मन करेगा। चलिए अब मैं इसके लिए एक स्लरी बनानी है हमें। सबसे पहले मैंने इसमें 3 चम्मच जो है वो मैदा ले लिया है। इसमें आप स्लरी बनाएंगे, फिर उसमें डिप करके पनीर के पकौड़ों को तलेंगे। तो मैंने 3 चम्मच जो है वो मैदा लिया है, 1 चम्मच जो है बेसन लिया, और 1 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहें तो बेसन जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, ये इससे दोनों से भी बन सकता है। और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी जस्ट 1/4 टी 1/4 चम्मच जो है वो अजवाइन डाली है। अजवाइन से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है इसमें। और ये जो है वो धनिया, कुटी हुई धनिया और जीरा जो मैंने कूट कर रखा है वो डाला, इससे पकौड़े में आप ज़रूर डालिएगा, इससे भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, आप इसमें नमक भी डाल दीजिए। बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा, मतलब एकदम गाढ़ा पेस्ट भी नहीं बनाना है और पतला भी नहीं, एकदम मीडियम का पेस्ट बनाना है। ऐसी स्लरी होनी चाहिए कि जो पनीर में है वो अच्छे से चिपक जाए। ये एक कप जो है वो फ्रेश ब्रेड क्रम लिया है। ब्रेड क्रम बनाना बहुत आसान है। एक मिक्सी के जार में आप कुछ ब्रेड के स्लाइसेस डालिए और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिए तो आपका ब्रेड क्रम जो है रेडी हो जाएगा। और ये जो है पनीर है, पनीर को जिसमें मैंने नमक मिर्ची और लगा कर रखा था ना, बस उसी को ये हल्के से स्लरी में हम इसे डिप करेंगे। स्लरी जो है बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली। देखिए इस तरह से पनीर में अच्छे से कोट हो जाए, इस तरह की होनी चाहिए। और ब्रेड क्रम में अच्छे से दबा दबा के आप अपने दूसरे हाथ की सहायता से इस तरह से दबा दबा के अच्छे से इसे कोट कर लीजिए। ब्रेड की वजह से ये इतनी ज़्यादा
क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम मॉइस्ट। इसी तरह से हम सारे पनीर के पकौड़ों को अच्छे से कोट कर लेंगे। स्लरी जो है वो फिर से ध्यान रखिएगा कि बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ स्लरी स्लरी का ही टेस्ट आएगा आपको पनीर में, पनीर का टेस्ट नहीं आएगा। और इसी तरह से आप इसे दबा दबा के पनीर को अच्छे से कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम में, और सारे ब्रेड क्रम को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और जब मन चाहे तो आप इसे फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तेल जो है वो हॉट हो गया है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ध्यान रखिएगा तेल में जो है वो धुआं नहीं आना चाहिए, बस इसी तरह से तेल गर्म होना चाहिए। जब मैंने एक तो क्यूब डाल के देखा तो पनीर जो है परफेक्टली अच्छे से कुक हो रहा है। इसी तरह से हम सारे पनीर के पकौड़े इसमें डाल देंगे, और इसे मीडियम आँच पे, मैं जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम कर देती हूँ, जिससे ये अच्छे से कुक हो जाए दोनों तरफ। बस पलट पलट कर इसे हमें अच्छे से गोल्डन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। लो मत रखिएगा, मीडियम आंच पे ही से सीखिए। अगर लो रखेंगे तो आपके पनीर के पकौड़े जो हैं वो टूट सकते हैं। बस मीडियम आंच पे आप इसी तरह से उलट पलट कर इसे अच्छे से सेकते रहिए, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ना हो जाए दोनों तरफ से। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिएगा बेल आइकन, तो जो भी मेरी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और मैं आपके साथ यूँ ही अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।